तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेक्स्ट मैसेज को किसी और को भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि आप किसी भी टेक्स्ट मैसेज को किसी और को भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जो मैसेज की जो ऐप है इसको खोल देना है, और खोलने के बाद अब यहाँ पे आप जिस भी मैसेज को किसी और को भेजना चाहते हैं सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इस मैसेज को किसी और को भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इस मैसेज पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये मैसेज खुल जाता है। अब ये जो मैसेज आप देख सकते हैं ये मुझे किसी और को भेजना है तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से दबा के रखता हूँ जिससे कि ये सिलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे हमें ऊपर ये जो 3 डॉट दिख दे रहे हैं हमें इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, हमें इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसके नंबर लगाने के लिए यहाँ पे नीचे आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप जिसको भी ये मैसेज भेजना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पे ऊपर आपको लगा लेना है। तो इस प्रकार से आप जिसके भी नंबर यहाँ पे लगाना चाहते इस प्रकार से लगा सकते हैं। और अगर यदि आप यहाँ पे नंबर नहीं लगाना चाहते और यदि आप अपने सेव किए नंबर लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अपने लिस्ट के अंदर जाके जो भी नंबर यहाँ पे डायरेक्ट लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और लेने के बाद अब यदि आप इसको भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उस नंबर को इस प्रकार से लेना होता है जिससे कि आप उसके अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद आपको उस मैसेज को भेजने के लिए यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ है आपको उस पर क्लिक करना होता है जिससे कि यहाँ पे आपने जिसका भी नंबर लगाया है उसके अंदर ये जो मैसेज है वो चला जाता है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट मैसेज को किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते किसी और को भेजना चाहते हो तो इस प्रकार से भेज सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।